अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मल्टी अमेजिंग वीडियोस चैनल में हम आपको कहते हैं खुशामदीद व्यूअर्स। इस वाइट टॉप रिपीट की हमने जो वीडियो पहले बनाई है उसका पार्ट वन आपने इंशाल्लाह देखा होगा, अभी उसका हम पार्ट टू बनाने जा रहे हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और जो बातें रह गई हैं वो भी इनसे पूछते हैं। अच्छा सर, पहले भी आपने अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है लेकिन वीडियो वो यानी कि बड़ी होता रही, तो इस वजह से हमने उसका पार्ट वन और इसका ये पार्ट टू हिसाब से बनाई है। तो मैं आपसे पूछ रहा था इनकी सेहत के बारे में, ये बीमारियों के लिहाज से अच्छी ब्रीड है। अच्छा, ये सर्दी गर्मी के लिहाज से इनके लिए मौसम कौन सा मुश्किल मौसम कौन सा होता है? सर्दी में भी सही है, गर्मी में भी सही रहती है। अच्छा, सर्दी में बकरी ना वो नहीं रह सकती, ये सही है, यानी कि ये सर्दी गर्मी दोनों में सर्वाइव कर सकती है अच्छे तरीके से। अच्छा, और इनके जो छोटे बच्चे होते हैं उनको आप दूध कितने अर्से तक पिलाते हैं? हम 3 महीने तक पिलाते हैं। 3 माह तक दूध पिलाते हैं आप इनको? अच्छा, तो ये अगर कुर्बानी के लिए, ये क्योंकि ब्यूटी के हिसाब से बहुत अच्छी ब्रीड है, तो कुर्बानी के लिए अगर इनके बकरे रखे जाएं तो उनकी औसतन क्या एवरेज होगी, कितने तक बिकेंगे? ये कुर्बानी में भी सही जाते हैं, 40,000 तक जाते हैं। 40 तक जाते हैं ये, क्योंकि ये ब्रीड जो है अच्छी खूबसूरत ब्रीड है। अच्छा, वो 12 माह तक रखने पड़ेंगे जी? हाँ। अच्छा, वैसे तो औसतन 14 माह लगते हैं दूसरों को दूध आने में, 4 महीने 5 महीने के लेने पड़ते हैं। अच्छा, 12 महीने पालने पड़ते हैं। अच्छा, ये यानी कि उससे 2 महीने कम में भी तैयार हो जाते हैं? अच्छा, जो रमजान के महीने में पैदा होता है ना वही तब तैयार हो जाता है। अच्छा, तो आप ये इनका व्यापार वगैरह भी करते हैं या सिर्फ शौक करते हैं? व्यापार भी करता हूँ, शौक भी करता हूँ। व्यापार भी करते हैं, नमाज में भी लेके आता हूँ। नमाज में भी लेके जाते हैं? नमाज में भी जाती है। कहाँ पे लेकर गए थे? बिलाशाह में लेके गया था, टोंडो लियार में भी लेके गया था, कुबे स्टाफ पे। अच्छा, हर वाली नमाज में भी लेके गया था, मैं हर नमाज में लेके जाती हूँ। अच्छा, वहाँ पे नमाज में कौन सा इस पे जो है इनाम वगैरह क्या मिलता है? वो पगड़ी बनवाते हैं किंग ऑफ किंग की। अच्छा जी। अच्छा, आपको इनाम का कौन सी नमाज में मिला? 3 मरतबा पकड़ी। 3 मरतबा आपको इनाम मिल चुका है इस पर? अच्छा अच्छा, आप अपना नंबर दे दें अगर किसी भाई को शौक करना हो तो। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप मेरे चैनल के तवसल से अगर कोई भाई आपसे रब्ता करता है तो उसको मुनासिब रेट पे आप शौक करा दीजिएगा। अपना नंबर आप बता दें, व्हाट्सएप नंबर? हाँ, व्हाट्सएप नंबर दें, अगर किसी भाई को आपसे रब्ता करना हो, कोई बकरी वगैरह चेक करनी हो तो व्हाट्सएप पे आप उसको जी नंबर बताएं आप। 0314-3640-3640-839। व्यूअर्स, इनके पास ये व्यापारी आ गए और मैं एक मरतबा फिर आपको इनकी बकरियाँ मैं वो दिखा देता हूँ। माशाल्लाह खूबसूरत ब्रीड है, और फिर भी इनसे बातचीत करते हैं, ये व्यापारी से फारिग हो जाएं और भी इनसे कोशिश करते हैं कि अच्छी अच्छी इनके बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह भी लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह खूबसूरत ब्रीड है, इसे आप चेक करें, सिंग वगैरह चेक करें और इनके कान माशाल्लाह खूबसूरत ये हैं। 6 लोग कटवाता हूँ, आओ वो कट जो थोड़ा व्यूअर्स, इनके पास छोटा सा ब्रीडर है वो मैंने इनको निकाल के दिखाएं। ये देखेंगे, ये देखें छोटे बच्चे की तरह ये उठा के खड़े हुए हैं और माशाल्लाह खूबसूरत बच्चा भी खूबसूरत है। कितनी उम्र का ये? उम्र कितनी होगी इसकी? 5 महीने। नीचे छोड़ें इसको थोड़ा, चले 4-5 माह का बता रहे हैं। जैसे उन्होंने नंबर दे दिया, अगर किसी भी भाई को उनसे रब्ता करना हो तो वो उस नंबर पे इनसे रब्ता कर सकते हैं। ये लाट के हिसाब से लेनी हो तो लाट में भी इंशाल्लाह आप मुनासिब लेंगी, और अगर इनके किट्स वगैरह लेने हो तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये आपको मुनासिब रेट पे इनके किट्स वगैरह भी देंगे। यस, ये आप देखेंगे ख़रीदने आए हैं वो, इसमें कौन कौन सी चीज़ें देख रहे हैं मैं आपको दिखाता चलूँ। ये इनके सींग वगैरह देख रहे हैं कि मजबूत हैं या टूटे उठे तो नहीं हैं, और इनके कान वगैरह भी इन्होंने चेक किए। ये बकरी अलग से इनसे लेना चाह रहे हैं तो देखें कहाँ तक सौदा बनता है इनका, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ उसकी भी। यस, इनके पास यस 2 बकरियाँ इनके पास छोटे बच्चों वाली हैं, मैंने इनसे बोला है वो बच्चे भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये चले हम बच्चे देखते हैं पहले। ये बच्चे हैं 2, आप चेक करें। ये बच्चों को गर्मी लग रही है बेचारों को, एकड़ो फर्क नहीं होता पैर हाथ हुई जा। अच्छा, एकड़ो दिन मना कर मेल एकड़ो दिन गर्म बढ़ी।
ये घणन दिन जान पर हर पेट ते बडी जा इन दा बेकड़ो दिन तो ठीक अच्छा ये घणी उम्र जाऊंगा ने तकरा ने चौथो नि आ जाए इनके चौथो नि आ ए होन के इनके थी आ ना पंद्रह निकम थी उनके। अच्छा बियोस ये छोटे वाला जो है ये चार दिन का है और ये बड़ा आप देख रहे हैं वो पंद्रह दिन का है, इनका इतना वज़न नहीं होता। अच्छा सर आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने इतनी कीमती इन्फॉर्मेशन भी हमें दी और अपना नंबर वगैरह भी दे दिया, अगर किसी भाई को आपसे रब्ता करना हो तो इंशाल्लाह इस नंबर पर आपसे रब्ता कर लेंगे। आप कौन कौन सी मंडियों पर जाते हैं? चार मंडियाँ करते हैं आप, ठीक है सर मेहरबानी। बस उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जो दोस्त अभी नए हमारे चैनल पर उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। इंशाल्लाह आपका और हमारा साथ जुड़ा रहेगा। अगर हमारी वीडियो आपको वीडियो में कोई कमी महसूस होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में गाइड करें, इंशाल्लाह आपकी गाइडलाइन से हम अच्छी वीडियोज़ बनाने में कामयाब होंगे। इंशाल्लाह आपका और हमारा साथ जुड़ा रहेगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह नगेबान, खुदा हाफिज़।